माय लाइफ किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे बटर चिकन। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम चिकन, अदरक लहसुन, टमाटर 3, हरी मिर्ची 4, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, कांदा 3 मीडियम साइज रफली चॉप किया हुआ है, तिल 1 चम्मच, 10 से 12 काजू, दही आधी कटोरी, गरम मसाला आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम आधी चम्मच अदरक लहसुन को इस चिकन में डालेंगे और नमक थोड़ा सा डालकर मिला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिला लेंगे और साइड में रख देंगे। एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कांदा डाल देंगे। और कांदे को हम नरम होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि हमारा कांदा जल्दी से नरम हो जाए। देखिए हमारा थोड़ा कांदा नरम हो चुका है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डालकर उसे भूनेंगे। टमाटर और हरी मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे तो हमारे टमाटर नरम होने तक हम टमाटर हमारे नरम होने तक इसे भूनेंगे। देखिए हमारे टमाटर कांदा सब नरम हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। एक पतीली रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये हमने जो चिकन है डाल देंगे। डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे, उसी के पानी में हम इसे गला लेंगे चिकन को। अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसे ढककर रख देंगे चिकन गलने तक हमारे। देखिए हमारा चिकन गल चुका है। हम इसे साइड रख देते हैं और ये दही है। दही में हम सारे मसाले डालकर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा मिला लेंगे इसे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें अभी हम। पानी ऐड करके हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। मिक्सी में हम अब जो हमारे कांदे का मसाला है ठंडा हो चुका है,
इसमें हम डालकर पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा पेस्ट तैयार है इस तरह से। अभी हमने काजू और तिल इसका अलग से पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये भी पेस्ट तैयार है। अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें पैन में तेल डालेंगे 3 चम्मच। फ्लेम को स्लो ही रखिए। बटर हम डालेंगे थोड़ा सा। बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाए, जो दही का मसाला तैयार किए हैं, पेस्ट तैयार किए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छी तरह से भुनेंगे हम। सारे मसाले हमारे भुने जाए तक भुनेंगे। तेल ऊपर नजर आए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम कांदे का जो पेस्ट तैयार किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और उसे भी अच्छी तरह से भुनेंगे। हिलाते ही रहना है इसे। देखिए किस तरह से ये मसाला हमारा हो गया है, भुन चुका है। अब इसमें हम काजू और तिल का पेस्ट डालेंगे। सारा डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ढककर 2-3 मिनट के लिए हमें पकने देंगे। बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। इधर देख लेते हैं। अभी थोड़ा वक्त के लिए रखेंगे पकने के लिए। ढक्कन हटा देते हैं। देखिए देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। ये हमने चिकन को सेट करके रख दिया है। सारा हम डाल देंगे।
डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, थोड़ा सा ही करें। ग्रेवी टिकी होती है। देखिए हमारी अब इसे हम पकने देंगे। और ये कसूरी मेथी क्रश करके रख दिया है, हम डाल रहे हैं इस पर। डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे पकने देंगे। इसको ऑफ कर देते हैं और फ्रेश क्रीम तीन चम्मच ऊपर से डालेंगे। गैस को ऑफ कर कर ही डालें आप फ्रेश क्रीम, वरना हमारी ग्रेवी फट सकती है। ये अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम इसे सर्व करते हैं। इस तरह से बटर चिकन हमारा बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।